अस्सलाम वालेकुम। आपसे ज़्यादा मैं थका हूँ बच्चों। हम बना रहे हैं एएनएफ के सिलेबस के बारे में राइट, और ये सिलेबस जो है 2022 से लेकर 2023 तक के लिए वैलिड है। इंग्लिश 20% आएगा, जनरल नॉलेज 20% होगा और इस्लामिक स्टडीज 20%, यानी सारे 20% है। पाकिस्तान स्टडीज 20% है और एएनएफ का नॉलेज 20% है, सारे 20% हो गए। इंग्लिश 20%, जनरल नॉलेज 20%, इस्लामिक स्टडी 20%, पाक स्टडी 20% और जॉब रेलिवेंट एएनएफ 20%। इसमें मैथ होगी, जनरल नॉलेज के अंदर आएगी मैथ। देखिए मैथ आसान होगी, मुश्किल नहीं होगी इतनी। एएनएफ की थोड़ी और चीज़ें भी आपको लिखवा देता हूँ साथ साथ ही ना। अच्छा, कुरान मजीद के मतलब एक क्वेश्चन आना है एएनएफ के अंदर कि लार्जेस्ट सूरत कौन सी है, लॉन्गेस्ट सूरत सूत्र बकरा, ठीक है। इसी तरह स्मॉलेस्ट सूरत आ जाएगी, यानी कुरान मजीद के मतलब एक क्वेश्चन आ जाएगा। ज़कात के मतलब एक क्वेश्चन आना है और ज़कात कौन कौन लोग रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, उनके नाम पता होने चाहिए। सैफुल्लाह का लकब किसने किन्हें दिया गया, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु। उसके बाद पहली मस्जिद कौन सी थी, मस्जिद नबी थी, मस्जिद कुबा थी, ठीक है। मस्जिद नबी पहली यूनिवर्सिटी थी, है ना। अगर आपको पता हो तो कमेंट कीजिएगा। जो जंगे बदर थी उसमें कितने मुसलमान साहब कराम शहीद हुए थे, बड़े मशहूर है। नहीं, ओ सॉरी, शहीद नहीं हुए थे, हिस्सा लिया था 313 ने हिस्सा लिया था, 313 ने हिस्सा लिया था। वो 313 वाली स्टोरी जो अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे मदद के लिए। बस ये अब बेसिक है, बाकी मैंने आपको सिलेबस बता दिया, उसे फॉलोअप कीजिए, बाकी डिटेल वीडियो जल्द मिलेगी आपको। फेसबुक पर सर्च करें वकार भाई, देखते रहें चैनल सर वकार भाई। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।